गुड मॉर्निंग। अपना जो चैप्टर चल रहा था और पास्ट, उसके 4 पार्ट्स हमने देखे थे। अब उसके आगे का पार्ट अपन देखते हैं। उसमें 4th पार्ट में अपन ने सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, उनके स्रोतों के बारे में पढ़ा था। अब उसके आगे देखते हैं कि मनुष्य ने आके खोज करने के बाद में और कौन कौन सी खोजें करी थी। द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ द अर्ली ह्यूमंस स्टार्टेड विद द फॉलोइंग डिस्कवरीज। जो प्रारंभिक मनुष्य थे, उन्होंने अपना परमानेंट सेटलमेंट कई खोजों के साथ शुरू किया था। मतलब कि उनका जीवन बाद में कुछ बेहतर हो गया था। वो किन कारण हुआ था, उन्होंने कुछ ऐसे खोजें करी थी जिनसे उनका जीवन पहले से बेहतर हो गया था। देखते हैं कौन कौन सी खोजें करी थी। सबसे पहले उन्होंने आग का आविष्कार किया था, आग की खोज करी थी। सेकंड है बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, खेती करना शुरू कर दिया था। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, जानवरों को पालतू बनाना शुरू कर दिया था, पालना स्टार्ट कर दिया था। इन्वेंशन ऑफ द व्हील, पहिए का आविष्कार किया, जिनसे उनको जो भारी सामान होता है उसको लाने ले जाने में काफ़ी हद तक फ़ायदा हुआ। पोल्ट्री, पहिए का आविष्कार करने के बाद में मिट्टी के बर्तन बनाना भी उनके लिए आसान हो गया था। और फिर आगे हैं ड्रेस, वो किन चीज़ों से कपड़े बनाते थे, अपनी ड्रेसें हैं कैसे बनाते थे और किस तरह के कपड़े पहनते थे। अब उन्होंने जो डिस्कवरीज करी थी उसके बारे में अपन डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले हैं बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, जो खेती है वो कैसे शुरू करी थी, किस तरह से देखा था और किस तरह से बाद में अनाज उगाना स्टार्ट किया था। अर्ली ह्यूमंस लर्न द टेक्निक्स ऑफ कल्टिवेशंस इन द न्योलिथिक एज। अपन ने सबसे पहले जो पढ़ा था कि जो स्टोन एज थे उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, और जो लास्ट पार्ट था न्योलिथिक एज, जिसे नवपाषाण युग कहा जाता है, उसमें उन्होंने खेती की कई टेक्निक्स सीखी थी, कई तकनीकें सीख ली थी। कल्टीवेशन मीन्स होता है खेती। दे माइट हैव सीन दैट व्हेन सीड्स फेल ऑन द ग्राउंड एंड रिसीव्ड वाटर दे ग्रे इनटू प्लांट्स। उन्होंने क्या देखा था कि जो बीज थे वो किस तरह से मिट्टी में मिल गए थे, और जब उनको पानी प्राप्त हुआ तो वो अपने आप से ग्रोथ, मतलब कि बढ़ने लगे थे, उगना स्टार्ट हुआ और बाद में बढ़ने लगे थे। तो ये देख के उन्होंने अनुमान लगाया कि इस तरह से हम भी खेती कर सकते हैं, और उन्होंने खेती करना स्टार्ट किया था। द फर्स्ट सीरियल्स टू बी कल्टिवेटेड वेयर वीट एंड बार्ली। और सबसे पहले जो अनाज उन्होंने उगाया था वो था गेहूँ और जौ। ओके, दे मेट मड हाउसेस नियर द फील्ड। और जो खेत थे उनके आसपास ही उन्होंने अपने मिट्टी के घर भी बनाना शुरू कर दिया था। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, जानवरों को पालतू किस तरह से बनाया। अर्ली ह्यूमंस बिगन डोमेस्टिकेशंस ऑफ एनिमल्स। उन्होंने खेती करना स्टार्ट किया था तो उन्होंने जानवरों को पालना भी उसके कुछ समय बाद में शुरू कर दिया था। एनिमल्स प्राउड टू बी हेल्पफुल फॉर एनिमल्स इन सेवरल वेव्स। और जो जानवर थे उनके लिए कई तरह से हेल्पफुल, सहयोगी थे, मतलब उनकी कई प्रकार से हेल्प हो जाती थी। और सबसे पहले जो एनिमल था वो डॉग था, जिसको उन्होंने पालतू बनाया था। डॉग उनके लिए एक गार्ड के रूप में काम करता था, मतलब कि एक रक्षक की तरह उनके साथ रहता था। और उसके बाद में उन्होंने शिप, गॉट एंड केटल्स, इनको पालना स्टार्ट कर दिया था। केटल्स मीन्स होता है मवेशी, जैसे इनमें गाय हैं और जो पालतू जानवर आते हैं वो। अब देखते हैं डॉग तो उन्होंने गार्ड की तरह पालना शुरू किया था, जो उनकी रक्षा करता था। शिप से क्या करते थे, वो जो ऊन होती थी उनको ऊन प्राप्त होती थी,
और गॉड से मतलब जो मांस है और दूध है वैसे भी उपयोगी थी। एंड कैटल्स जो मवेशी थे उनको उनसे जो दूध है और मांस है ये सब मिलता रहता था, तो इसलिए उन्होंने जानवरों को पालना भी शुरू कर दिया था। इन्वेंशन ऑफ व्हील, अब पहिए का आविष्कार किया था। द न्यूलिथिक पीरियड ऑल्सो सॉ द इन्वेंशन ऑफ द व्हील, जो नवपाषाण काल है उसी में उन्होंने पहिए का आविष्कार किया था। और पहिए का आविष्कार करने से उन्हें जो ज़्यादा सामान है वो लाने ले जाने में आसानी हुई, और जो मिट्टी के बर्तन हैं वो भी बनाने में आसानी हुई। आगे देखते हैं, पॉटरी, अर्थेन पॉट्स वे आर नीड टू स्टोर ग्रेन्स टिल द नेक्स्ट कल्टीवेशन सीजन, मतलब कि इन जो उन जो पॉट थे बर्तन थे उन वो काफ़ी बड़े बनाते थे वो, ताकि अगले सीजन के लिए जब उन्हें खेती करनी होती थी तो वो उस अगले सीजन के लिए अनाज को उनमें स्टोर करके रख सकें। इसलिए उनके जो बर्तन थे वो काफ़ी बड़े थे और उन्हीं में वो अगले सीजन के लिए जो अनाज है उसे संभाल के रखते थे, स्टोर करके रखते थे। दे वेयर ऑल्सो यूज टू स्टोर मिल्क वाटर एंड कुक फूड फॉर डेली यूज़, और जो खाना दूध जो भी सामान था उसे वो वाटर है मिल्क है उसे स्टोर करके रख लेते थे उन पॉट्स में जो डेली यूज़ में लेते थे। लेटर दे प्लास्टर्ड द बास्केट्स विथ क्ले एंड बास्केट देम टू मेक देम वाटर प्रूफ, और उसके कुछ समय बाद में उन्होंने जो प्लास्टर्ड युक्त जो बास्केट थी टोकरी थी क्ले से वो बनाना शुरू कर दिया था। मतलब कि जो पके हुए बर्तन होते हैं आग में पका के तैयार करते हैं, उस तरह के बर्तन पका के तैयार कर लिए थे जो वाटर प्रूफ होते थे। वाटर प्रूफ बर्तन होते थे वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हुए, जैसे वो उनमें कुछ भी लिक्विड चीज़ें रख सकते थे। क्ले पॉट्स वेयर ऑल्सो यूज फॉर कुकिंग फूड, और जो क्ले पॉट्स होते थे उन्होंने थोड़े छोटे बर्तन बनाने स्टार्ट कर दिए थे बाद में, पहले तो वो बड़े बनाने बनाते थे, और उन क्ले पॉट्स में वो जो कुकिंग फूड होते थे उसे रखते थे खाने के सामान को। नेक्स्ट ड्रेस, अब देखते हैं ड्रेस कौन कौन सी चीज़ों से बनाते थे। द व्हील वॉज ऑल्सो यूज फॉर स्वीपिंग एंड वीविंग, अब जो पहिया था उससे वो कताई और बुनाई का काम भी करते थे। स्वीपिंग का मतलब होता है कताई और वीविंग का मतलब होता है बुनाई। कताई बुनाई करना भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। अर्ली ह्यूमंस बिगन टू यूज कॉटन एंड वूल टू मेक क्लॉथ्स बिसाइड यूजिंग एनिमल्स स्किन, जो जानवरों की खाल होती थी कपड़ों के लिए उनका यूज़ लेते थे, और जो कॉटन है रुई जो ऊन है उनका यूज़ लेकर के वो कपड़े बनाना उन्होंने कपड़े बनाना स्टार्ट किया था। लीव्स एंड बार्क्स, और उससे पहले तो जो वो पत्तियाँ होती थी और सूखी छाल थी उस तरह से वो उन्हें पहन लेते थे, और उसके बाद में उन्होंने धीरे धीरे कॉटन है ऊन है उन सब के कपड़े बुनना और कताई करना स्टार्ट कर लिया था उनका, जब पहिए का आविष्कार हो गया था उसके बाद में। कॉटन कल्टीवेशन स्टार्टेड ड्यूरिंग दिस टाइम, और जो कॉटन है ऊन है जो कपास है, कपास जो रुई होती है कॉटन मीन्स, तो उसकी खेती करनी उन्होंने उस टाइम शुरू कर दी थी। दे स्टार्टेड वर्शिपिंग नेचर्स, और उन्होंने जो प्रकृति है उसकी पूजा करना शुरू किया था, क्योंकि उन्हें ऐसे लगता था कि प्रकृति ही उन्हें सब कुछ देती है, तो उन्होंने एक गॉड की तरह भगवान के रूप में उनकी पूजा करना शुरू कर दी थी। दे प्रोग्रेस्ड फ्रॉम प्रीहिस्ट्रिक एज टू कॉपर एज, और उसके बाद में धीरे धीरे प्रोग्रेस हुई और प्रीहिस्ट्रिक एज से बाद में कॉपर एज में पहुँचे, जिसे ताम्र पाषाण युग कहा जाता है। उसके बाद में देखते हैं जो अर्ली ह्यूमंस थे उसके बारे में, वो सब उन्होंने कैसे कैसे
डिस्कवरीज करी थी, खोजें करी थी, वो अपन ने देख लिया। अब उसके आगे जो सिविलाइजेशन है उसके बारे में देखते हैं। सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, जो सिंधु और सरस्वती के मैदानों के आसपास में जो भी सभ्यता विकसित हुई है उसके बारे में देखते हैं। वन सच सिविलाइजेशन डेवलप्ड इन द प्लेन्स ऑफ सिंधु एंड सरस्वती। सिंधु और सरस्वती के जो मैदान थे वहाँ पे एक सभ्यता का विकास हुआ था। प्लेन्स का मीन्स होता है मैदान, मैदानों में एक जो सभ्यता हुई, सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, उसका विकास हुआ था वहाँ पे। एक्सक्वेशंस इन 1922 एट हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो ब्रोथ इनटू लाइट द एक्सिस्टेंस ऑफ दिस सिविलाइजेशंस। और जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे इनकी खुदाई 1922 से स्टार्ट हो गई थी, मतलब कि 1826 में इसका पता लगाया था कोई अंग्रेज अधिकारी थे चार्ल्स मेसन, उन्होंने जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो ये सिंधु घाटी सभ्यता है इसके बारे में जानकारी मिली थी, मतलब कि उन्होंने देखा था इसके बारे में। और उसके बाद में 1922 में इसकी खुदाई शुरू कर दी थी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की। और इसके बाद में धीरे धीरे इनसे रिलेटेड जो भी स्थल हैं, जो भी जगह हैं और मिलती गई और उनकी भी खोजें शुरू की। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों ही पाकिस्तान में हैं, ये ध्यान रखना। और जो पाकिस्तान है वो 1947 से पहले तो इंडिया में ही ऐड था और 1947 के बाद में अलग हुआ था। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों पाकिस्तान में ही है। हड़प्पा जो पाकिस्तान के हिस्से में जो पंजाब है उसमें है। ओके, अब इसका जो आगे का पार्ट है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।